हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास टेंथ इंग्लिश मीडियम, आई एम पी एन त्रिपाठी, योर सब्जेक्ट टीचर। टुडे आई विल टीच यू अ न्यू टॉपिक ऑफ द चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आवर न्यू टॉपिक इज काउंट कैमिलो द काबूर। नाउ वी स्टार्ट। काउंट कैमिलो द काबूर, अ पोलिटिकल लीडर एंड एन इटालियन स्टेट्समैन, वॉज बॉर्न एट ट्यूरिन ऑन द अगस्त 1, 1810। तो काबूर एक राजनेता था, राजनीतिक व्यक्ति था इटली का, जिसका जन्म ट्यूरिन में 1 अगस्त 1810 में हुआ था। इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। एट द एज ऑफ 10 ही इंटर्ड द मिलिट्री अकेडमी एट ट्यूरिन। तो 10 ईयर की एज में वो ट्यूरिन के मिलिट्री स्कूल में उसने दाखिला लिया। सेकंड पॉइंट, ही वाज अ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मूवमेंट टुवर्ड्स इटालियन यूनिफिकेशन एंड द फाउंडर ऑफ द ओरिजिनल इटालियन लिबरल पार्टी। अपनी एजुकेशन पूर्ण करने के पश्चात इटली के यूनिफिकेशन का जो मूवमेंट जुसेप्पे मेज़नी ने स्टार्ट किया था, उसमें इसने पार्टिसिपेट किया और उसने वहाँ की मूल लिबरल पार्टी की स्थापना की। थर्ड पॉइंट, ही फाउंडेड द एग्रेरियन एसोसिएशन इन 1842 एंड द न्यूज़पेपर सेकेंड रिजोजिमेंटो इन 1847, वेयर ही स्ट्रगल टू स्टेबलाइज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसके पश्चात उसने किसानों की पार्टी मतलब एग्रेरियन एसोसिएशन की 1842 में स्थापना की तथा 1847 में एक न्यूज़पेपर रिजोर्जिमेंटो सेकेंड के नाम से उसने पब्लिश किया, जहां पर उसने देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के स्टेबलाइजमेंट के लिए संघर्ष किया। फोर्थ पॉइंट, काबूर वाज अ लिबरल एंड हैड फेथ इन फ्री ट्रेड, पब्लिक राइट of opinion and secular rule, so on becoming the prime minister of Piedmont Sardinia on November 4, 1852, Cavour strengthened the kingdom, reformed taxation, stabilized the currency and improved the railway system. तो वो काबूर उदारवादी दृष्टिकोण का व्यक्ति था, जो कि व्यापार मुक्त व्यापार का पक्षधर था और वो सेकुलर विचारधारा का व्यक्ति था, मतलब धर्म मुँह में वो विश्वास नहीं करता था, उसके हिसाब से सभी धर्मों के लोग समान हैं। इसलिए बाद में उसकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई और उसे पीडमॉन्ट सार्डिनिया स्टेट का प्राइम मिनिस्टर 4 नवंबर 1852 में बनाया गया। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उसने वहाँ के टैक्सेशन व्यवस्था में सुधार किया, वहाँ के लिए एक करेंसी निर्धारित की और रेलवे सिस्टम को भी इम्प्रूव किया। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1853 ही सपोर्टेड द फ्रेंच एंड ब्रिटिश इन द क्रीमियन वॉर विथ ट्रूप्स इन एंटिसिपेशन टू इन्हेंस द प्रेस्टीज ऑफ सार्डिनिया पीडमॉन्ट। 1853 में क्रीमियन युद्ध के समय उसने फ्रांस और ब्रिटेन का सपोर्ट किया ताकि इससे उसके राज्य सार्डिनिया पीडमॉन्ट की ख्याति और बढ़ सके। On March 1761, when Victor Emmanuel II became the King of Italy, Cavour was formally declared as the Prime Minister of Italy. इटली की यूनिफिकेशन के बाद 1861 में जब विक्टर इमैनुअल II इटली के किंग बने, तो काबूर को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। डियर स्टूडेंट, इस तरह हम देखते हैं कि इटली की यूनिफिकेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला व्यक्ति था काबूर, इसीलिए उसे वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन था वो। नाउ स्टूडेंट्स, टू क्वेश्चंस फॉर यू एज होमवर्क। फर्स्ट इज हु वाज काबूर एंड सेकंड इज व्हाई काउंट कैमिलो द काबूर वाज रिमेम्बर्ड इन हिस्ट्री। थैंक यू।